हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास एप्पल की मैकबुक प्रो है। ये मेरे पास 13 इंच वाला मॉडल है। इसके अलावा मैकबुक प्रो में 14 और 16 इंच के मॉडल आते हैं। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो एप्पल 2020 से पहले अपने मैकबुक्स में इंटेल के प्रोसेसर्स यूज़ किया करता था, पर क्योंकि एप्पल अपने आईफोन्स में खुद के बनाए हुए प्रोसेसर्स यूज़ कर रहा था, तो 2020 में उन्होंने डिसाइड किया कि मैकबुक्स के लिए भी वो अपने खुद के प्रोसेसर्स बनाएंगे। और इस वाले मैकबुक के अंदर एप्पल की M1 चिप है, जो 14 और 16 इंच है। उनमें एप्पल की M1 प्रो और M1 प्रो मैक्स चिप आती है। इस मैकबुक की परफॉर्मेंस का मैं आपको एग्जांपल दूं तो इससे पहले मैं वीडियो एडिटिंग मेरे कंप्यूटर में किया करता था, जिसमें i5 प्रोसेसर है और वो i5 का टॉप मॉडल है। उसके अंदर मैं अगर 12 मिनट की 4K वीडियो एक्सपोर्ट करता था तो लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते थे, पर अगर वही सेम वीडियो सेम सॉफ्टवेयर में मैं इस मैकबुक से करूँ तो 13 से 15 मिनट के अंदर वो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाती है। ये तो तब था जब मैं Adobe का प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा था, पर अगर मैं फाइनल कट प्रो यूज़ करूँ जो एप्पल ने पर्टिकुलरली इस मैकबुक के लिए बनाया है, जिसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स यूज़ करते हैं, तो रिजल्ट कुछ और भी ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं फिलहाल इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। फुल टेस्ट करने के बाद मैं आपके लिए फुल रिव्यू वीडियो लेके आऊंगा, पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है और मैं आपको मेरा फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन दूंगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैकबुक प्रो का बॉक्स कुछ इस तरह का आता है, जिसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है और इस पुल टैब को खींचकर आप इसके ऊपर से प्लास्टिक को इजीली हटा सकते हैं। इसे आप मेरा ड्रीम लैपटॉप कह सकते हैं और ड्रीम लैपटॉप का लाइव अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस टाइम मैं अंदर से कितना एक्साइटेड था। तो दोस्तों, बॉक्स के ऊपर से प्लास्टिक हटा दिया है। अब आपको दिखाता हूँ कि 13 इंच वाली मैकबुक प्रो का बॉक्स किस तरह का आता है। बॉक्स व्हाइट कलर का है, जिसके फ्रंट साइड में आपको मैकबुक प्रो की हाई क्वालिटी फोटो देखने को मिलती है। बॉक्स के इस तरफ मैकबुक प्रो लिखा है, इस तरफ एप्पल का लोगो है और इस तरफ फिर से मैकबुक प्रो लिखा है और लास्ट में इस साइड में फिर से आपको एक और एप्पल का लोगो देखने को मिल जाता है। बॉक्स के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगी, जैसे मेरे पास 8GB रैम और 512GB SSD वाला मॉडल है। ये 13 इंच मैकबुक प्रो है विद एप्पल M1 चिप। एक्चुअल डिस्प्ले 13.3 इंच की है डायगोनली। इसमें 8 कोर CPU और 8 कोर GPU है। यहाँ नीचे एप्पल का एड्रेस दे रखा है, जो कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में है। इसमें सिल्वर और स्पेस ग्रे दोनों कलर ऑप्शंस आते हैं, मैंने स्पेस ग्रे कलर लिया है। मैकबुक प्रो का बेस वेरियंट 256GB SSD के साथ आता है, जो आपको अभी अमेजोन पर 1,09,000 तक का मिल सकता है। मेरे पास ये बेस वेरियंट से ऊपर वाला 512GB SSD वाला मॉडल है, जो अभी अमेजोन पर डिस्काउंटेड प्राइस में 1,27,000 का मिल रहा है। इसकी MRP 1,42,900 है, जिसे अगर आप एप्पल की वेबसाइट या प्रीमियम रीसेलर से परचेस करेंगे तो आपको ये MRP पे ही मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब था बॉक्स के ऊपर। अब चलिए इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमें मैकबुक प्रो रखी हुई मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको एक पुल टैब मिलेगा, जिसे पकड़कर आप मैकबुक को इजीली बॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं। मैकबुक बाहर आ चुकी है और इसके ऊपर काफी सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज किया गया है। पीछे की तरफ पुल टैब दे रखा है, जिसे खींचकर आप इसकी प्लास्टिक हटा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्लास्टिक हटा दी है और इसे पर्सनली हाथ में लेके काफी प्रीमियम फील आ रहा है। एक बार इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। मैकबुक के बाद हमें बॉक्स में व्हाइट कलर की चार्जिंग केबल मिलती है, जिसके साइड्स में दिए गए पेपर पुल टैब्स को खींचकर आप इसे इसकी पेपर पैकिंग से बाहर निकाल सकते हैं। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की पैकिंग को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता है और पैकिंग में प्लास्टिक का बहुत कम यूज करता है। काफी मोटी केबल है ये, जिसके दोनों तरफ आपको USB-C पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा केबल की लेंथ भी काफी लंबी दी गई है, तो आप इजीली लैपटॉप को चार्जिंग की टाइम यूज कर सकते हैं। इस केबल की एग्जैक्ट लेंथ बताऊं तो ये केबल 2 मीटर लेंथ की आती है। केबल के बाद बॉक्स में हमें एक व्हाइट एनवलप मिलता है, जिसके ऊपर डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा है। इस एनवलप के अंदर हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर मैकबुक प्रो लिखा है। ये इसका यूजर मैनुअल है, जो काफी छोटा है। इसमें सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताई गई है। यूजर मैनुअल के बाद रेगुलेटरी इन्फो और एक वारंटी इन्फो का पेज देखने को मिल जाता है। लास्ट में आपको 2 एप्पल स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, जो इस बार स्पेस ग्रे कलर में दिए गए हैं। तो ये सब था इस एनवलप में। इसके बाद बॉक्स में हमें एक बड़ा सा व्हाइट कलर का अडेप्टर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर पेपर की पैकिंग है और इस पुल टैब को खींचकर हम इसे हटा सकते हैं। अडेप्टर की बॉडी पर ग्लोसी फिनिश देखने को मिलता है, जिसके कारण अडेप्टर दिखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। बीच में मैट फिनिश में एप्पल का लोगो है। अडेप्टर हाथ में लेके काफी सॉलिड और हाई क्वालिटी का लग रहा है। अडेप्टर पर इस तरफ आपको चार्जिंग पिंस देखने को मिलती है। ये 61W का USB-C अडेप्टर है। नीचे यहाँ डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना और इसका मॉडल नंबर लिखा है। अडेप्टर की दूसरी तरफ आपको USB-C पोर्ट देखने को मिलता है और इस तरफ इसकी पावर रेटिंग दे रखी है। इस अडेप्टर से आपको टोटल 4 आउटपुट्स मिलती है। एक स्टैंडर्ड 61W है, दूसरी 45W है,
तीसरी 27 वोल्ट है और चौथी 16 वोल्ट है, तो आप इस अडेप्टर से अपना आईफोन भी फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा अडेप्टर आपको मैकबुक के साथ मिलता है। इसके अलावा अडेप्टर के प्लग को खींचकर आप इसमें एक्सटेंशन केबल भी लगा सकते हैं और मैकबुक के चार्जर की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। प्लग को पुश करके आप इसे फिर से अडेप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब आता है मैकबुक प्रो के बॉक्स के अंदर। अब हम मैकबुक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मैकबुक प्रो में आपको फुल एल्यूमिनियम यूनिबॉडी देखने को मिलती है जो कि एल्यूमिनियम के सिंगल पीस से बनी है। इसके ऊपर आपको मैट फिनिश टेक्सचर मिलता है, बीच में एप्पल लोगो है जिसमें आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है जिससे ये काफी शाइन करता है। मैकबुक प्रो की लेफ्ट साइड में आपको दो थंडरबोल्ट यूएसबी सी पोर्ट देखने को मिलते हैं जिसमें आप अडेप्टर लगाकर और पोर्ट्स कनेक्ट कर सकते हैं। मैकबुक प्रो के राइट साइड में ऊपर आपको एक 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है। इसके अलावा 13 इंच मैकबुक प्रो में कोई और पोर्ट नहीं है। मैकबुक प्रो साइड से 15.4mm थिक है जो लैपटॉप के हिसाब से काफी स्लिम डिजाइन है। मैकबुक प्रो के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको 4 रबर फीट देखने को मिलेगी जिससे इसकी बॉडी सरफेस से ऊपर उठी रहती है और सरफेस पर अच्छी ग्रिप मिलती है। इसके अलावा पीछे आपको 5 पेंटलोब स्क्रूज देखने को मिलते हैं। बीच में एल्यूमिनियम पर आपको एनग्रेविंग देखने को मिलती है जिसमें डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, मॉडल नंबर, पावर रेटिंग और इसका सीरियल नंबर लिखा है। इस तरफ आपको मैकबुक प्रो के एयर वेंट देखने को मिलते हैं जहां से इसके फैन गर्म हवा बाहर निकालते हैं और हैवी प्रोसेसिंग में भी इसे कूल रखकर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो दोस्तों, ये सब था इसके डिजाइन के बारे में। मुझे इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। मैकबुक प्रो को जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और स्क्रीन पर आपको एप्पल लोगो शो हो जाएगा। मैकबुक प्रो के अंदर की बात करूं तो आपको अंदर फुल साइज बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको काफी बड़ा एल्यूमिनियम का फोर्स टच ट्रैकपैड देखने को मिलता है। ऊपर फंक्शन कीज की जगह देखेंगे तो आपको टच बार मिलेगी जो एक टच डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले ऐप के हिसाब से अलग अलग कंटेंट शो करती है और इसके साथ मैकबुक को यूज करके अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। मैकबुक प्रो में टॉप राइट कॉर्नर में आपको पावर बटन मिलेगा जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। कीबोर्ड के दोनों साइड्स में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी जिनके नीचे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। डिस्प्ले के सबसे नीचे बीच में आपको मैकबुक प्रो लिखा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, ये सब था इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में। अब मैं कुछ दिन इसे टेस्ट करके देखूंगा और फिर आपके लिए फाइनल रिव्यू वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।